हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे अभी 9:30 और नाश्ता इनके लिए टिफ़िन वगैरह बन चुका है। ये गए हैं ड्यूटी और अभी झड़ हो गया है। बस दादी नहा के आ रही है तो दादी लोगों के लिए, दादी के लिए और अपने के लिए अब नाश्ता बनाऊंगी। तो फिलहाल अभी हमारा दूध आ चुका है, अंकल आ चुके हैं, तो मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। मैं दूध लेके आ गई हूँ और आपको पता नहीं होगा हमारे यहाँ दूध कितने का मिलता है। तो मतलब जिनसे मैं लेती हूँ अंकल से, तो वो देते हैं, पहले 50 रुपये किलो था और अब मतलब अभी इस महीने से, न्यू ईयर्स के बाद से उन्होंने 55 रुपये किलो कर चुका है। मतलब फिर अगले साल फिर 60 रुपये ऐसे हो जाएगा। बट ठीक है, मतलब एक तो सही भी आता है दूध ना पीने लायक, थोड़ा टेस्टी सा भी होता है और मेन चीज़ कि हमें लेने नहीं जाना पड़ता, वो घर पे आता है मतलब दूध ना, तो ऐसा सीन है। वरना लेने जाओ तो फिर बारिश है, ये है वो है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी नहीं जा पाता। तो ऐसा सही है मतलब कि घर पे ही आ रहा है दूध। तो आप बताओ ना आपके एरिया में कितने कितने रुपए किलो मिलता है दूध और कैसा होता है, ठीक है, पीने में। पहले जहाँ से हम लेते थे ना 7वें 8वें महीने से, मतलब पहले तो मैं बाहर से ही लेके लेती थी डेयरी से, लेकिन फिर 7वें 8वें महीने में हमने कहीं से लिया था। भाई इतना घटिया दूध, मार्क्स हम पीने का मन नहीं करता था, उल्टी सी आती थी मुझे, बिना चीनी के तो मैं एक घूंट नहीं पी सकती थी उसे, इतने बेकार आता था वो। बट फिर हमने 9वें महीने से, फिर जब मैं 9वें महीने, मेरे को 9वां महीने लग गया था, तो फिर मैंने बुआ ने फिर मतलब वहाँ से छुड़वा के दूध फिर अंकल से एक बार एक दिन लिया था बुआ ने, तो उनको अच्छा लगा तो फिर हमने फिर कंटिन्यू किया यहाँ से, और तब से यहीं से ले रहे हैं। तो अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट तो देखो हर कोई नहीं देता आजकल के ज़माने में, गांव जैसे घर जैसा दूध तो नहीं है, बट घर जैसा जैसे गांव में होता है ना, उससे थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब पीने लायक तो है एटलीस्ट, कि इंसान पी सकता है आराम से करके, बिना चीनी के भी अच्छा ही होता है ये वैसे, मतलब ना। और फिर लेकिन मेरे को बिना चीनी के ना पिया नहीं जाता, तो मैं हल्की सी चीनी डालती हूँ अपने के लिए, अपने के लिए क्या, ये भी और मेरे लिए भी, तो हल्की सी चीनी पड़ती है ना तब ठीक हो जाता है। तो ये अभी सो रखा है तो मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, तब तक दादी आ जाएगी नहा के, और मैं तो तब आज नहीं आ रही, आज ठंडा और का मौसम बहुत ही बारिश हो रही थी रात भर, तो अभी मौसम ठीक ठाक ही हो रखा है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर ठंडा है। आग जलाएंगे अभी लग रहा है, पूछती हूँ दादी को आग जलाएंगे, तो बाहर दीदी लोग तो आग जला रहे हैं, ठंडा होता ना मौसम तो। तो हाँ, मतलब मैं आप सबको थैंक यू बोलना तो भूल ही गई, तो आप सभी को ना बहुत सारा वाला थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी एक वीडियो मतलब 100K क्रॉस कर चुकी है, पहली वीडियो है, मतलब एक पहली थी वो डांस वाली वीडियो शादी की वो थी, बट वो मतलब ब्लॉग नहीं था, ब्लॉग या वीडियो कुछ भी। तो अभी फर्स्ट वीडियो जो मेरा अभी 100K क्रॉस कर चुका है और बहुत अच्छे से चला, तो वो है मेरा मतलब प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी वाली स्टोरी मैंने बनाई थी पार्ट 1, तो वो मेरा मतलब 100K क्रॉस हो चुका है, कल या परसों में हो गया था, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो उस चक्कर में, तो मैं आज बताई। तो आप सभी को बहुत सारा बार थैंक यू, और जिसने जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में डाल दूंगी अगर याद आया तो, नीचे नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगी, तो आप नीचे जाके चेक कर लेना बहुत से, तो आप नीचे जाके चेक कर लेना। ओके थैंक यू, और मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैंने पहली वीडियो देखी ना अपने 100 क्रॉस पे, वरना आजकल तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो मेरे को मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी हूँ ना, पहले मैं रेगुलर थी, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे ब्लॉग आ रहे थे, बट कभी कभी तो 3-4 दिन हो जा रहे हैं मुझे ब्लॉग ही नहीं आ रहे। एक तो घर में रह रहा कि भी कुछ नहीं बनता है, रोज़ का वही काम होता है इसके साथ, तो फिर कभी कभी टाइम ही नहीं लगता। फिर अब आजकल मैं अपने आप को भी बहुत टाइम दे रही हूँ, मतलब कुछ मैं कर रही हूँ, तो उस चक्कर में मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारा बार थैंक यू, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मुझे, और हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस यही है कि मैं अभी मेरी तरफ से मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे ही डिपेंड हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब वगैरह तो आपको पता ही है, इस साल या अगले साल तक तो वैसे पता नहीं कब तक कर पाऊँगी या कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो बस मेरा जो फाइनेंशियल है, मतलब पतिदेव तो है ही, बट उनको सपोर्ट करने के लिए मेरा जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो यहीं से आता है, ब्लॉग से ही आता है, वहीं से पैसे मिलते हैं, तो वही चक्कर है। तो बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अपना अपना वो कर रही है।
पापा को भेजिए फूल पेट में पापा को क्या कर रहे हो भाई गोचू खुद ही पहन लूंगा बल्ले खुद ही पहन ले तू ये काम कर हैं खुद ही पहन ले खींच ऊपर गाइस खींच अपना पजामा पकड़ रखा इन्हें मजा आ गया भरोसा नहीं हो रहा नानी पे अब है ना है ना गाइस अभी बज रही है रात के 11 और मैं अपने फोन पे लगी हूँ ये अपने फोन पे लगी और ये हमारा रजाई फाड़ रहा है ये रजाई खींच खींच के अपने मुंह में डाल रहा है खाने के लिए ये रजाई फाड़ रहा है ये देखो खींचने में लगा रखा हूँ खींचने में लगा फोन पे क्या देख रहा चल अपना काम कर पता चलेगा तेरे फोन है ये हैं तेरी वीडियो आ रही इसमें रजाई से खेल तू रजाई से आराम से हाँ रजाई से खेलो हाँ बप कर दो बप गुड नाइट बोल दो आपको मैं खेल रहा हूँ बोल अभी खेल रहा है बस अभी 11 बज चुकी है अब 11:30 बजे इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा फिर ये सो जाएगा है ना है कि नहीं है ना टाइमिंग बना रखा है बट ठीक है कम से कम रात भर परेशान तो नहीं करता कभी कभी करता है रात को परेशान उठता है नहीं तो पूरे दिन मतलब रात को तो मस्त सोया रहता है हमें भी सोने देते हैं फाड़नी नहीं है भाई हमारी रजाई भाई रजाई नहीं फाड़नी हमारी हाँ बाय कल दो तो चलो गाइस अब सो जाते हैं ये भी सो जाएगा थोड़ी देर में और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय करो तुम भी बाय करो तो वो भी बाय करेगा देखो बाय कर ही रहा हो तो बाय कर तो बाय बाय